मशहूर हॉलीवुड मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा और आप में से बहुत लोगों ने यह फिल्म देखी भी होगी। पर क्या आप जानते हैं, इस फिल्म सीरीज में एक ऐसा कैरेक्टर भी था जो इंडिया के एक मराठा नेवल योद्धा से इंस्पायर्ड था। जानेंगे आज की वीडियो में। वेलकम टू धर्माचार्य। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी में एक सीन आता है जब दुनिया के सभी बड़े पायरेट्स एक काउंसिल में इकट्ठा होते हैं। उस सीन में इंडियन ओशन के पायरेट के रूप में हमें संभाजी आंगरिया नाम के एक कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वो संभाजी आंगरिया कोई और नहीं बल्कि जांबाज मराठा योद्धा कान्होजी आंगरे से इंस्पायर्ड चरित्र था। महाराष्ट्र की सीमा से लगते समुद्र के पहरेदार रहे कान्होजी आंगरे डच, ब्रिटिशर्स और पुर्तगालियों के लिए उस समय के सबसे बड़े समुद्री दस्यु थे और हम भारतीयों के लिए मराठा नौसेना के अजेय साहसी सागर योद्धा। आइए कान्होजी की थोड़ी बैक स्टोरी जान लेते हैं। कान्होजी के पिता तुकोजी आंगरे छत्रपति शिवाजी की नौसेना के सरखेल यानी एडमायरल थे। वे सुवर्णगढ़ दुर्ग पर तैनात थे। कान्होजी का जन्म वही हरनोई नामक स्थान पर हुआ। उनका बचपन हरनोई में रहने वाले कोली समुदाय के मछुआरों के साथ बीता, जिससे समुद्र को समझने की क्षमता उनमें बचपन से ही डेवलप हो गई। इसके अतिरिक्त कान्होजी अपने पिता के साथ भी सुवर्णगढ़ दुर्ग पर समय बिताया करते थे, जिनसे उन्हें युद्ध नीति और समुद्री रास्तों का ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार कान्होजी पश्चिम से आती शक्तियों से भारत के पश्चिमी तट क्षेत्र की रक्षा के लिए एक परफेक्ट रिक्रूट थे। कान्होजी को मराठा नौसेना का सरखेल नियुक्त किया गया, जिस पद को आज नौसेना में एडमायरल कहा जाता है। दुश्मन सेना के जहाजों से संख्या बल में भारी अंतर होने के बावजूद भी कान्होजी ने अंग्रेजों, पुर्तगालियों और डचों को अनेक बार युद्ध क्षेत्र में पटकने दी और अपने 20 साल के सेवा काल में एक भी युद्ध नहीं हारा। उनकी छापामार युद्ध नीति और समुद्री रास्तों की समझ ने उन्हें अरब सागर का अजेय योद्धा बना दिया था। कान्होजी का खौफ इतना था कि अंग्रेजों को 50 लाख रुपए अतिरिक्त सिर्फ कान्होजी से अपने जहाजों की रक्षा के लिए खर्च करने पड़ते थे। उस समय ऐसी बातें प्रचलित थी कि बड़े से बड़ा जहाज लाया जाए तभी कान्होजी को हराया जा सकता है, पर शायद उतना बड़ा जहाज कभी मिल ही नहीं पाया क्योंकि कान्होजी कभी नहीं हारे। अंग्रेज हो, डच हो या पुर्तगाली, कान्होजी ने न केवल उन्हें बुरी तरह हराया बल्कि अपने पास बंदी भी बनाकर रखा तथा अपनी शर्तें मनवाकर उन्हें रैनसम के तौर पर छोड़ा। कान्होजी का प्रभाव अरब सागर में इतना हो गया था कि उनकी अनुमति के बिना कोई जहाज पश्चिमी समुद्र सीमा में प्रवेश भी नहीं कर सकता था। ब्रिटिश, पुर्तगाली, डच सभी के जहाजों को कान्होजी को टैक्स चुकाना पड़ता था। वे जब तक जीवित रहे तब तक कोई भी विदेशी शक्ति देश के पश्चिमी तट का मनमाना उपयोग नहीं कर पाई थी। ऐसे इंस्पिरेशनल व्यक्तित्व की कहानी से आज भी देश का बहुत बड़ा तबका अछूता है, जिसका कारण शायद हमारी ही उदासीनता है। उस अजय समुद्री योद्धा के सम्मान में ही भारतीय नौसेना की वेस्टर्न कमांड का नाम INS आंगरे रखा गया है। ये थी कहानी 17वीं शताब्दी में जन्मे जांबाज नौसैनिक कान्होजी आंगरे की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इंसिडेंट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर भी करें और कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टिल देन, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।